एक बार नोबिता की माँ का रात को 12 बजे खून हो जाता है। तभी इंस्पेक्टर डोरेमोन आते हैं। वो तीन सस्पेक्ट सुनियो, जियान और नोबिता के पापा को बुलाता है। सुनियो कहता है, मैं तो मूवी देखने गया था, ये देखो फोटो। जियान कहता है, मैं तो क्लब में गया था, ये देखो फोटो। और नोबिता के पापा कहते हैं कि मैं गार्डन में टहलने गए थे, देखिए ये रही पिक्चर। इंस्पेक्टर डोरेमोन तुरंत समझ जाते हैं कि खून किसने किया है। क्या आप लोग ये तीन पिक्चर देख के बता सकते हैं कि खून किसने किया होगा? मुझे कमेंट में जरूर बताना। इंस्पेक्टर डोरेमोन कहते हैं, ये खून नोबिता के पापा ने किया है, क्योंकि उन्होंने जो पिक्चर दिखाई है उसमें एंट्री टाइम सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक ही है, यानी कि रात को गार्डन बंद होगा, यानी कि नोबिता के पापा झूठ बोल रहे हैं। अब सुनियो जो मूवी देखने गया था उसके क्लू नीचे है, हैंड और फ्लैग। क्या आप इसको देख कर बता सकते हैं इससे मूवी का नाम क्या होगा? ये हाथ जोड़े हुए है यानी कि नमस्ते, प्लस ये लंदन का फ्लैग यानी कि नमस्ते लंदन। एक बार सुजुका रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, तभी बाजू में एक बच्चा रो रहा था और उस बच्चे के लिए तीन औरतें झगड़ रही थी। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। वहाँ पर सारी भीड़ जमा हो जाती है। सुजुका पूछती है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप इस बच्चे की माँ हैं? पहली औरत बताती है कि मेरा नाम सोनल है और ये रही मेरी बच्चे के साथ फोटो। दूसरी औरत बताती है, मेरा नाम काजल है और ये देखो मेरी बच्चे के साथ फोटो। तीसरी औरत बताती है कि मेरा नाम रिया है और ये रही मेरी फोटो। क्या आप ये तीनों फोटो देखकर बता सकते हो कि बच्चे की असली माँ कौन सी होगी? मुझे कमेंट में जरूर बताना। सुजुका कहती है, ये रिया उस बच्चे की माँ है, क्योंकि तीनों फोटो पर डेट सेम है पर ईयर अलग अलग है। जो सोनल है 2017 की है, यानी कि उसका बच्चा अभी तक 7-8 साल का हो गया होगा। काजल का बच्चा अब तक 12-13 साल का हो गया होगा, इसीलिए ये रिया का बच्चा है क्योंकि उसकी फोटो 2022 की है। ये कहकर बच्चा रिया को दे देती है और रिया बच्चे को लेकर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है और सुजुका उसमें बैठ जाती है। बाजू में एक बूढ़े अंकल होते हैं, वो पूछते हैं, बेटा ट्रेन जब स्टार्ट हुई थी तब उसमें 60 पैसेंजर थे, अभी अगले वाले स्टेशन से 11 पैसेंजर निकले और 16 अंदर आए, और इस स्टेशन से 5 पैसेंजर निकले और 2 पैसेंजर अंदर आए, तो ट्रेन में अभी कितने पैसेंजर है? क्या आप लोग बता सकते हो? मुझे कमेंट में जरूर बताना। सुजुका कहती है, सबसे पहले 60 पैसेंजर थे, अभी आगे वाले स्टेशन से 11 निकले यानी -11 और 16 आए +16, और दूसरे स्टेशन पर 5 निकले और 2 आए यानी कि -5 और +2, टोटल हुए 62। ट्रेन में अभी 62 पैसेंजर्स हैं। नोबिता डोरेमोन से सवाल पूछता, एक बार ए और सी में प्यार हो गया तो उनको देखकर बी भी जलने लगा और एक स्वीट डिश बन गया, तो बताओ डोरेमोन वो डिश कौन सी है? क्या आपको पता है दोस्तों? डोरेमोन कहता है, जलेबी। जियान और सुनियो दोस्त होते हैं। एक बार जियान की मुर्गी सुनियो के घर जाकर अंडा देती है, तो बताइए दोस्तों अंडा किसका हुआ, जियान का कि सुनियो का? मुझे कमेंट में जरूर बताना।
आंसर है मुर्गी का। मुर्गी ने जन्म दिया है तो उसका ही हुआ ना। एक बार नोबिता गाड़ी में बैठ रहा था, तभी उसने एक किडनैपर को बच्चा चुरा के गाड़ी में भागते हुए देखा। उसने गाड़ी का नंबर देख लिया। तुरंत उसने इंस्पेक्टर डोरेमोन को फोन करके बता दिया। इंस्पेक्टर डोरेमोन नोबिता के पास आकर वो नंबर ले लेते हैं और ऐसे नंबर वाले 3 कार और ड्राइवर को पकड़ लेते हैं। फिर नोबिता उस नंबर को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि किडनैपर कौन था। क्या आप लोग बता सकते हो? नोबिता कहता है कि मैंने किडनैपर को मिरर में देखा था, इसीलिए मैंने जो नंबर लिखा है वो उल्टा होगा। कार का असली नंबर ये होगा और वो कार है दूसरे नंबर वाली। डोरेमोन उसको पकड़ लेता है और बच्ची को छुड़ा लेता है। एक बार नोबिता रास्ते से जा रहा था, तभी रास्ते में उसने देखा कि एक शॉप पर 6 बेल लगे हुए थे और उस शॉप का नाम 7 बेल्स था। नोबिता अंदर पूछने के लिए जाता है कि बाहर 6 बेल है और आपकी दुकान का नाम 7 बेल है, ऐसा क्यों है? दुकानदार उसे जवाब देता है कि उसने नाम चेंज क्यों नहीं किया। उसका जवाब सुनकर नोबिता दंग रह जाता है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि दुकानदार ने ऐसा क्यों किया होगा? उसने नाम चेंज क्यों नहीं किया? दुकानदार कहता है, यही सवाल करने के लिए लोग मेरे पास अंदर आते हैं और कुछ ना कुछ खरीद के लेके जाते हैं, तो उसमें मेरा ही फायदा है ना, तो मैं शॉप का नाम चेंज क्यों करूं? इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए 1, 2, 3 और 4 में से असली शेडो कौन सी है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस पिक्चर की असली शैडो है ये 3 नंबर वाली। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए बेबी हिप्पो अपनी मदर के पास कौन से रास्ते से पहुंचेगा? बेबी हिप्पो इस रास्ते से जाएगा तो वो अपनी मदर के पास पानी में पहुंच जाएगा। अब बताइए इस पिक्चर की असली शैडो कौन सी है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये वाली, ये तो सबसे इजी था। ऐसी और कहानी और पजल के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।